प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बेलपत्र के पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरनी वहां से गुजरी। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा। सुबह हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिरनियों तथा
छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों में भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण के परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा के कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। यही थी महाशिवरात्रि की कथा। धन्यवाद।